हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेनली फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे सब पहले यहाँ यहाँ हम फिगर को देख लेते हैं फिगर में आपको तीन चार्जेस दिखाए गए हैं क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री तो Q3 और Q2 टू चार्ज वो Q1 पे फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है उसको हमने F12 वेक्टर कहा है और Q3 की वजह से जो Q1 पे फोर्स लग रहा है उसको हमने F13 वेक्टर कहा है तो सभी ये Q2 r2 ओरिजिन से r2 वेक्टर पे डिस्टेंस पे r1 वेक्टर डिस्टेंस पे Q1 आया हुआ है और r3 वेक्टर डिस्टेंस पे Q3 आया हुआ है तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं वन टू चार्जिस एक्सर्ट फोर्सेस साइमोटेनियसली ऑन ए थर्ड चार्ज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड चार्ज इज द वैक्टर सम ऑफ द फोर्स दैट द टू चार्जिस एक्सटर्ट इंडिविजुअली यानी कि यहाँ पे जो है एफ टू वन है और यहाँ पे एफ वन थ्री वैक्टर है उन दोनों का वैक्टर सम एफ वन ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया एफ वन वैक्टर इन एफ वन थ्री और एफ वन टू के सम के बराबर फोर्स होगी तो चलिए आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमने एफ वन वैक्टर इज इक्वल टू एफ वन टू वैक्टर और प्लस एफ वन थ्री वैक्टर लिए हुए हैं अब हम कुलम्स लॉ के मुताबिक लिखेंगे तो एफ वन वैक्टर इज इक्वल टू वन अपॉइन्ट फोर पाई एफ जीरो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर आर वन टू कैरेट प्लस वन अपॉइंट फोर फाइव एफ जीरो क्यू वन क्यू थ्री आर स्क्वायर आर वन थ्री कैरेट हो जाएगा इसमें से हम अगर वन अपन फोर फाइव एफ साइलन जीरो को बाहर निकाल दें तो अंदर हमें क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर आर वन टू कैरेट क्यू वन क्यू थ्री अपन आर स्क्वायर आर वन थ्री कैरेट मिलेगा यानी कि टोटल जो यहाँ पे रिजल्ट वेक्ट, रिजल्टन वैक्टर एफ वन टोटल सम हमें फोर्स का मिल रहा है टोटल फोर्स एफ वन वैक्टर होगा जो क्या होगा ये हमें मिला वन अपन फोर फाइव एफ्साइलेन जीरो क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर आर वन टू कैरेट प्लस क्यू वन क्यू थ्री अपन आर स्क्वायर आर वन थ्री कैरेट होगा तो चलिए अब सुपर पोजिशन लो क्या कहता है ये भी देख ले वैन नंबर ऑफ चार्जिस इंट्रैक्टिंग द रिजल्टेंस फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर चार्जिस गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस यानी कि कोई भी कितने भी नंबर के फोर्स एक एक पार्टिकल पे लग रहे हो तो उसका टोटल वर्क अगर टोटल फोर्स हमें निकालना है तो वो उसके वेक्टर सम के बराबर हो गए तो हमने यहाँ पे लिखा है एफ वन वैक्टर इज इक्वल टू वन अपन फोर पाइप सेल एन आर वन टू कैरेट प्लस क्यू वन क्यू थ्री अपन आर स्क्वायर आर वन थ्री कैरेट प्लस अप टू क्यू वन क्यू एन आर स्क्वायर आर वन एन कैरेट यानी कि कितने भी नंबर ऑफ चार्जिस हो वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हो तो उस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उस पे कितनी टोटल फोर्स लग रही है वो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन लगा के उसका वैक्टर्स हम निकाल के देख सकते हैं तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए